तो भाई आज दीक्षा का पेपर है और 3 बजे लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है, और फिर वहीं गंदे इलाके में जाना है फरीदाबाद। यहाँ से हम 11 बजे निकलेंगे ऐदरपुर तक गाड़ी, फिर बाकी आगे मेट्रो। तो अभी दीक्षा अंदर पढ़ रही है और मैं यहाँ मस्त आसमान के नीचे लेटा हुआ हूँ। चांद जाने वाला है, सूरज आने वाला है, तो तैयार होकर नहा धोकर निकलेंगे। तो भाई पहले तो प्लान नहीं था अक्षत को ले जाने का, लेकिन अब इसको भी मैं घीस के ले जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। ये 3 बजे एंट्री ले लेगी और 5:30 बजे के करीब बाहर आएगी, तो इतना मैं क्या करूँगा। तो अक्षत को भी मैंने घसीट लिया है साथ में ही, यहाँ भी पबजी खेलता रहता है, ये वहाँ भी पबजी खेल लेगा। क्या बे ए ऐसे कैसे खेल लेगा? पछवाड़ देना तो ऊपर धर ले सोफे पे, ये कंफर्टेबल पोजीशन है आपको लिखा। ओहो हो कंफर्टेबिलिटी। पिछली बार जब प्री था, जब मैं कह रहा था मम्मी को, मम्मी चलो आप भी साथ चलो, मम्मी बोली नहीं अगला पेपर हुआ जब चलेंगे, और वो ओबियसली एक बहुत बड़ा ही और सफ़ेद झूठ था। और अब अगला पेपर भी आ गया है तो मम्मी आज भी नहीं चल रही है साथ में। इब्बा जाना थोड़ी है, फिर लेट आओगे हम तो 8-9 बजे ही आओगे। 8 बजे जाएंगे अनु रही यार, दक्ष की तबीयत खराब है। हम तो कह रहे थे छुट्टी कर ले, बोला नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा स्कूल जाऊंगा, मैं तो मेरी मैम मारेगी अगर छुट्टी करूंगा तो। बाकी उसको आराम है, इतनी तबीयत खराब हुई नहीं। एक बार घर में जिसको हो जाएगा ना, फिर वो सबको ट्रांसफर कर देगा सबको। अब 8:30 हुए हैं, हम निकलेंगे यहाँ से एग्जैक्ट 11 बजे, क्योंकि 11 बजे वो भाई 11 मतलब 11 है। हाँ एग्जैक्ट 11, उससे लेट हो भी नहीं सकते। मम्मी वो रोटी बना दी 9 बजे सी है झाड़ू का। हाँ खा के जाओगे रोटी तो मेरे को क्या खिलाओगे दिल्ली के? मेरे को क्या खिलाओगे? घुसंड दिल्ली, वो तो तू यहीं खा ले, बाकी दिल्ली जाने की जरूरत है? तो मैं नहीं जा आप लोगों के साथ, मजा मेरे भाई। इतना मुंह पाड़ के लगाओ तू, देख अरे लो लगा देख ये पिछवा ले लो, देख के ले लो जाड़े 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 कितना ले आए आप? यह किसा है ये ऊपर ये क्यों जाड़ा क्यों ना? ये यूं अंदर है ना ये? हाँ ये क्यों कर जड़ेगा? देख ली जाड़े का तार है मम्मी ना लाई हुई बूर सो जड़ लगेगा दीवार के भी जब तक या एक पुरानी होगी इतनी बार जान देंगे ना करते। एक ऑनलाइन मंगा दूंगा, एक ऑनलाइन आवे है वो नु मुड़ भी जाएगा, इनके अंदर की सफाई हो जाएगी। हाँ लंबा है। हाँ देखो पर मंगाने की गारंटी नहीं है क्या? एक दिन मंगाओगे। हाँ बकवास छोड़ के दिवाली पे सफाई करनी है। दिवाली नवंबर में है, नवंबर ही पाँच जान लग गया। सो गाइस ना दोगे तैयार, और फिलहाल सोच रहे हैं कि हैदरपुर तक की गाड़ी लेके जाएं, बाकी आगे मूड पर डिपेंड करेगा कहाँ तक लेके जाएंगे कहाँ तक नहीं। धुरती ले जाएंगे, बकवास करे जा। देख बुढ़िया देख की तेरी बोल रहा है बुढ़ी, वो एक्टिंग ना मारे। उस दिन मेरा पेपर था जब मैं कौन सा धुरती ले गया था, है धुरती ना लेकर गया तो भाई क्या ही बोले क्या ही बोले क्या ही बोले। पेपर खत्म भी नहीं हुआ, मम्मी ने झाड़ू देकर इंडिकेशन दे दी है ठीक है, ओली तेरी पढ़ाई चढ़ाई पूरी मंड जाई हो अपने भगवान करो ओली हो। 10:30 हो गए हैं, चलो आज तो तू टाइम पर है, ये तो 2-3 व्लॉग हो ले तू टाइम पर हो कहते जब बताओ मौसम बिगड़ रहा है। और भाई मम्मी यहाँ खजाना दिखाता हूँ। ये मम्मी का
छुपा हुआ खजाना है यहाँ पे। मम्मी है ना अलग अलग जगह बदलती रहे नोट दर पीछे धरन की, कदे भगवान की तस्वीर के पीछे छुपा दे हैं, कदे ये लोबी में तस्वीर रखी है इनके पीछे छुपा दे। रिवाइज करेगी एक चल रहे ये सारी लेके चल रहे। अरे ये एक्टिंग के जरूर करनी पिछले पेपर में बिगड़ी थी। एक्टिंग के करी जो अपने काटे ऊपर डे उसमें चार क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ ना बेटी ले जा अपन सुबह सुबह ठारे के किताब ठाली जी छोटे मोटे काम थोड़ी करूंगा मैं आप लोगों के साथ पिछली सीट पे वीआईपी की तरह बैठ के जाऊंगा। ठाली चल आप तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे ना करनी बात ना मम्मी ने बोल इतनी मैं करता आपकी मर्जी बोल बोल आई वोंट अरे मेरे को आते नहीं लगा सकते ऐसे आई वोंट टू स्किप दिस क्वेश्चन मिमी मिमी लगा रे बेटा चले इली बोल इतनी आपकी मर्जी यू प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर आई डोंट वांट टू टॉक विद यू चल कूल गर्ल ले पेन चार अंग रिसीवर डाउन है पेन पे देवेंगे ले खा ले वो बैग। अरे यार ईव गाड़ी साफ रही थे फिर बीट कर दी इस पे। अरे भैया अगला ही प्रकृति ने क्यों कर तोड़ा है अपनी विश्वास पर राग ले गए तेरे जैसा होगा कोई अक्स हो भैया इस तो पता नहीं हर जगह जाम मिल रहा है और बड़ा टॉफी खा रहे आराम से ये पसर रही है ITO पहुंचने वाले हैं एक घंटे का रास्ता और रह गया और टाइम हो गया 12:40 देख ले दो घंटे लग गया आड़े जाने में जाती हम पहला थोड़ा जल्दी चल लिया करा मैं तो सबसे जल्दी चलता हूँ 20 मिनट पहले पहुंचता हूँ हर जगह तुम ही लेट लतीफ हो ये मैं तो लेट ऑलवेज नहीं तो दो तीन बार हो गया है सही टाइम पर हुआ है जी ना खुश कर ले जब तक कहीं अपना गाने चला ले उनमें बिजी रहोगी भाई पहुंच गए हैं रिक्शा की लैब पीछे आई ऑन डिजिटल जोन एक बार वेरीफाई कर ले कदे कौन कह रहा 4-4-1-4-2-9-9 है मेरा अरे तू जाके तू उतर के देखा 4-4-1-4-2-9-9 ये री ऊपरली में है अरे एक यो एडमिट कार्ड उससे दिखा दे वो गार्ड वो बता देना भैया है ना लैब क्योंकि आड़े कई लैब है अक्षत तू जा अक्षत पूछ के बेल्ट हटानी पड़ेगी हाँ यह है कैब जो एंट्री लेगी 2:13 है ले लूंगी एंट्री टाइम कितना है लास्ट के है 3 है ना तीन इब्बत रुक जाते फिर 2:45 पे ले लिया मैं छाम ला लूँ गाड़ी ने जितने पूछ रहे थे भाई गाड़ी ही ले आए हम क्योंकि फिर यहाँ बैठने का रास्ता नहीं मिलता हमें भी 2.5-3 घंटे टाइम पास करना है तो भाई चल पड़े हैं बेस्ट ऑफ द लक हाँ ये गीता के हाथ से जाता हुआ आना नहीं है गीता रुक जाओ देखते ले भाई मैंने तो सीट लंबी कर ली आगे वाली और अब यहाँ बजाएंगे 1-2 घंटा पबजी आराम से छाव में गाड़ी लगा ली है भाई हम गाड़ी खोल के बैठे हैं तभी हमें गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी और साइड में एक पंच वाला भाई सारे शीशे बंद करके सब कुछ गाड़ी बंद कर सो गया भीतर अजीब आदमी है उतना गया भीतर गुड्डी गुड्डी दिखे भाई आपने दिखा हुआ भाई यहाँ तब हमें
तीन चार बज गए, टाइम पास हो नहीं रहा, पबजी का एक मैच भी खेल लिया जिसमें मारे गए दोनों। अब हम यहाँ मैकडोनल्ड है पास में, वहाँ जा रहे हैं कुछ ठूसने, देखेंगे अभी रास्ता है 2-3 मिनट का, फिर वहाँ पहुँचते हैं, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, पहुँचते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करेगा। कितना हुआ है गाड़ी में? गाड़ी अर्शा मिला दो नहीं मैं ले लो। लो करो अपना कैमरा हैंडल ठीक लगी। हाँ भाई यहाँ पार्क कर दी गाड़ी, जस्ट सामने मॉल है, लो कर दी। मैकडोनल्ड ना है यहाँ पे, बर्गर किंग रहा। भाई बर्गर किंग पे तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक कोई सी भी नहीं, तो हम केएफसी पे आए हैं और वेज ही लेंगे यहाँ पर भी, नॉन वेज नहीं खाते भाई हम। क्यों है भाई आ गया मील हमारा। क्या ब्रिटिश प्रो महंगी, मजा आ गया असली टैक्सी है। खोलिए पूरा बड़ा बर्गर है भाई इनका तो। कोई सा दे दे भाई, 5 बजने वाले हैं और दीक्षा बर्गर पैक करा लेते, नहीं तो वो ताने मार मार के हमें खा जाएगी। एक क्रिस्पी बर्गर पैक कर दो। भाई पैक करा लिया दीक्षा का और अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 5 बजे उसका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो 5:30 तक बाहर आएगी वो। भाई लैब इतनी गंदी जगह है भाई, क्यों होती है वो सामने लैब है देख लो उधर। अच्छी नौकरी पाने के लिए गंदगी में आना पड़ता है। देख लो क्या भाई पेपर उसका है और नर्वस हम सब हो रहे हैं, अब पता नहीं बाहर आके कैसा क्या रिएक्ट करेगी वो, क्या करेगी जन्ना हो ना सही और रोनती आओ भी देख लिए देखी जाएगी भाई क्या करे। बस 10-15 मिनट में बाहर आने वाली है वो भाई, 5:21 हो गए हैं और अब तक तो कोई बाहर नहीं आ रहा भाई, हमारी धड़कन धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अच्छा तेरी भी? हाँ, 5:21 हो गया, 5 बजे पेपर खत्म हो लिया था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए बाहर। भाई गेट खुल तो गया है, है? यो क्यों हो रहा? ये लड़के 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 निकाल दिए, 3 बाल काट दिए बस गेट खोल गए, मेरे ख्याल दिन का सिलेक्शन हो गया। हाँ इनको तो नौकरी दे दी। ये डिस्क्वालीफाई हो गए पहला ही, ये ज्वाइनिंग करने जाएगी भाई उस पर। भाई आ तो गए शायद, तू ना दिखा को ना सनरूफ में बोल ले। थोड़ी आगे कर लियो गाड़ी, गेट खोल दे दिया, गेट खोल लिया भाई। अस्ती आ गया कुछ कितने टाइम तो है
आसान था और वैसे तो वो डिफिकल्ट है। जो तीना पर बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब है ना, फिर मैंने रिस्क ना लिया, मैंने 32 अटेम्प्ट कर दी, मैं कहा है ना पेपर आसान है, कट ऑफ आई जा सकता है, तो इसका कोई फायदा ना है 60 अटेम्प्ट करेगा, फिर मैंने और अटेम्प्ट कर दिए। कितने और ज्यादा? 71 शोर कितने दिए तू 60 पे? और उन 71 नाम देखे कितने तुक्के थे? सारे तुक्के थे, तुक्के ना थे, मतलब तू आसपास थी। 90% मैं ठीक पाऊंगी, बस तो यार पढ़ायो ऐसा था जो मैंने मतलब पढ़ रखा था, पर मैं बिल्कुल छोड़ना थी, इस टाइप का था, मतलब होया पढ़ा पेपर कुछ ना है, कट ऑफ पे बात जाओगी क्योंकि पेपर था आसान। ठीक ठीक बढ़िया सही बढ़िया, मैं सैटिस्फाइड अपनी मेहनत है, तू सैटिस्फाइड है? हां मैं सैटिस्फाइड। आपने जितनी मेहनत करी भाई, जब बाबे ने मेहनत भी की, तड़के 8 बजे पढ़ने बैठा करती, रात ना 8 बजे दी पढ़ा करती। एक बार पापा दोरो फोन करते, कहीं भाई जाम लग गया और ऊपर से ट्रेन जा रही है। मैं दिखाता हूं, चल पड़ा जाम। तो भाई फाइनली घर पहुंच गए हैं और 3 घंटे की ड्राइविंग की है, 3 घंटे ही जाते वक्त, 3 घंटे ही आते वक्त, और दीक्षा काफी खुश है, साथ साथ मम्मी भी काफी खुश है और दक्ष भी काफी खुश है। और ये खाएगा चोकोस, ये भी खा रहा है और ये भी खा रही है। ये एक नंबर खेला तो भूखड़ है, शाबी को 2 पैकेट दे चोकोस का, एक मिल गया मैंने वो बता दे भाई तुम, ठंडा भी बना के थोड़ा ना हो भाई, आके नहा धो के खा पी के और अब सोने की तैयारी है। कैसा लगा आज का व्लॉग? और दीक्षा कह रही है उसका पेपर अच्छा हुआ, बाकी भाई कट ऑफ पे डिपेंड करता है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी तो समस्या ही रहती है रिजर्वेशन की, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये था आज का पूरा दिन, कमेंट करते हुए ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टेक केयर, अब आपसे मिलेंगे कल सुबह।